चलिए ठीक है, अच्छी बात, परफेक्ट परफेक्ट, 100%। आज मेरा चेहरा नहीं दिखेगा। चलिए हम लोग, मैं एक दफा रिपीट कर देता हूं, सारे लोग सुनो। हम लोग एनालाइज कर रहे थे नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है, तो हमने आपको बताया था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को क्या लिखते हैं, तो आपको बताया गया था गिवन मास इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट को क्या लिखते हैं, तो मोलर मास बाय एन फैक्टर, यानी बैलेंसी फैक्टर। एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो एसिड बेस सॉल्ट का आपने पढ़ा, एसिड का एन फैक्टर एच प्लस के बराबर, जितना एच प्लस देगा एसिड का एन फैक्टर होगा। लेकिन एसिड में, कुछ एसिड में आपको बताया गया था एसिड दो तरह का, गौर से सुनो, हाइड्रा एसिड, नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन। उसमें जितना हाइड्रोजन होगा उतना एच प्लस, जैसे HCl, HBr, H2S वगैरह वगैरह, जितना हाइड्रोजन उतना एच प्लस। एक होता है ऑक्सी एसिड, यहां एच प्लस हाइड्रोजन पर डिपेंड नहीं करता, OH पर डिपेंड करता है, इसीलिए H3PO4, H3PO3 और H3PO2, 3 2 1, याद आया कि नहीं? अरे ये तो मैं पिछले क्लास में पढ़ा दिया था, जो नए स्टूडेंट हैं वो थोड़ा सब्र करें। हमने ये कहा था कि ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, मैं तो रिपीट कर रहा हूं, तो मैं बाद में बैकअप भी दे दूंगा, आजम सर को कह देना मैं बैकअप भी दे दूंगा, लेकिन ये सब पढ़ा चुका हूं। ऑक्सी एसिड में नंबर ऑफ एच प्लस OH पर डिपेंड करता है, क्लियर है कि नहीं? मैं रिवीजन करा रहा हूं। दूसरी बात, मैंने ये भी सिखाया था कोई भी डायरेक्ट पूछे H3PO4 का एन फैक्टर कितना होता है, 3। लेकिन जब ये रिएक्शन में होगा, रिएक्शन में तो 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, बताया था कि नहीं सबको? जब एसिड रिएक्शन में होता है तो 3 2 1 कुछ भी हो सकता है। चलिए यहां तक सीख गए थे हम लोग, चलिए अब न्यू टॉपिक शुरू कर रहे हैं। वेरी गुड, आप लोग सीरियस होके देखो, जो नए स्टूडेंट हैं वो भी देखें। टॉपिक डालो एन फैक्टर ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एन फैक्टर ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। गौर से सुनो, रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं, जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो। प्लीज अब मैसेज मत करो, सुनो अच्छे से, रिडॉक्स रिएक्शन उसको कहते हैं जहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो। इसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए, बस ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आएगा आपको एन फैक्टर आ जाएगा। पहले कंसेप्ट समझाएंगे फिर उसका शॉर्टकट बता देंगे, तो गौर से सुनो, एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
कभी भी अगर आप भूल जाएं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इन्फेक्टर कैसे निकालते हैं, तो पहले कंसेप्ट, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डिफिनेशन है वही इन्फेक्टर, मतलब इट इज इक्वल टू, सारे लोग सुनो, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहले कंसेप्ट समझो, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे। कोई भी क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इन्फेक्टर कैसे निकालते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे, कैसे गेन करेगा वो सब सिखाएंगे। पहले कंसेप्ट समझिए, कोई भी पूछे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पहचान क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे, तो जितना इलेक्ट्रॉन वो वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेगा उतना इन्फेक्टर होगा। बोलो यहां तक सबको समझ में आया, जल्दी से लिख कर भेजो। अरे बोर्ड दिख रहा है ना सबको, कोई कह रहा बफरिंग, भाई हो सकता है उनके यहां नेट खराब हो, वाईफाई अच्छी कंपनी का लगा हो, अच्छी कंपनी का, क्लियर है 100% आ गया। चलिए लिख लीजिए सारे लोग जल्दी से, वेरी गुड। हाँ मैं शॉर्टकट सब पढ़ाऊंगा, एकदम ध्यान देना आज के लेक्चर को। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इन फैक्टर जितना वो इलेक्ट्रॉन गेन करे उतना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इन फैक्टर है। जोहैब मुश्तबा, सबको समझ में आया? यस, थैंक यू। तरीका भी सिखाएंगे, पहले कंसेप्ट समझो सारे लोग। अब आओ एन फैक्टर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, एन फैक्टर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट रिड्यूसिंग एजेंट। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट रिड्यूसिंग एजेंट। तो कभी भूलने वाली, ये सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है, सेकंड चैप्टर। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है सबको? सच बोलिए, आ गया समझ में? यस, थैंक यू। अच्छा रिपीट कर दूं, रिपीट। हम लोग एन फैक्टर रिडॉक्स रिएक्शंस का पढ़ रहे हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, बस। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट जितना इलेक्ट्रॉन को लॉस, क्वेश्चन से और समझाएंगे आपको, जितना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा वही उसका इन फैक्टर होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इन फैक्टर जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसका होगा। चलिए आगे बढ़ें।
आज इसकी पांचवी या छठी क्लास है सॉल्यूशन चैप्टर की। चलो अब मैं शॉर्ट तरीका बताता हूं। इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन कैसे निकालेंगे ये शॉर्टकट याद रखो, चाहे रिड्यूसिंग एजेंट हो या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। और से सुनना, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मोडुलस लिया है मैंने, मोडुलस का मतलब डिफरेंस पॉजिटिव में, इनटू नंबर ऑफ एटम। प्लीज दिस इज द शॉर्ट ट्रिक्स, इसी से सारा आंसर निकालेंगे, चाहे रिड्यूसिंग एजेंट हो या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। कितना इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हुआ हम इस तरह निकालेंगे। सारे लोग दिमाग अच्छे से समझो, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम। कुछ लोग मैसेज करते रहते हैं, भाई मैसेज मत करो, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम, दिस इज कॉल्ड एन फैक्टर। किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का निकालना हो तो ON का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर। और मैंने पिछले क्लास में कहा था ऑक्सीडेशन नंबर देख कर आएंगे, कोई बात नहीं मैं समझाऊंगा। तो N फैक्टर कैसे निकालते हैं रिडॉक्स का, तो पहले कंसेप्ट, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हुआ। इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन निकालने का तरीका, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम। लिख लिया सारे लोग? चलो मैं आप क्वेश्चंस करा देता हूं, जल्दी लिखो सारे लोग, बताओ लिख लिया आज तक? अच्छा ओके, रिपीट रिपीट कुछ नहीं करने की जरूरत है। किसी भी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर निकालना हो तो हम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, अब वो कैसे निकालेंगे वो हम बताएंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम, इस तरह निकाल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन, एग्जाम्पल फर्स्ट, NNO4 माइनस, अब सारे लोग देखो, जो लोग कह रहे रिपीट करने के लिए यहां सारे लोग देखें, आपको कहेगा इसका इक्विवेलेंट वेट निकालो। तो हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो आपको याद है मैग्नीज का मालूम नहीं है, एक्स मान लेंगे, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, तो 4 × -2 शुड बी इक्वल टू -1, एक्स इज इक्वल टू 7, यहां पर +2, तो एन फैक्टर ऑफ NNO4 माइनस चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 7 से 2 कितना चेंज 5 इंटू नंबर ऑफ एटम। मैग्नीज कितना है 1, 5 × 5 5, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnO4 माइनस मोलर मास बाई एन फैक्टर, मोलर मास तो आप निकाल लेंगे। सच सच बताइए सबको समझ में आ गया? जुनैद चौधरी, अच्छा ठीक है, मैं दोबारा समझा देता हूं, घबराइए नहीं, दोबारा समझा देता हूं, कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूं मैं दोबारा समझा देता हूं, अच्छे से समझिए, कोई बात नहीं है, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। MnO4 माइनस Mn+2, यहां पर डार्क लाइन दे दिया, जिसका कहेगा कहेगा इसका एन फैक्टर इक्विवेलेंट वेट मालूम करो, इक्विवेलेंट
तो यहां देखें, तो आप ये ना एसिड है ना बेस है ना सॉल्ट है, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। मैग्नीज का एक्स, ऑक्सीजन का -2 होता है, मैंने इसलिए कहा था ये पढ़ लेंगे, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, अल्कली मैटर का ऑक्सीडेशन नंबर +1, तो +4 -2, ऊपर चार्ज कितना है -1, तो -1 के बराबर। अगर चार्ज नहीं होता तो 0 के बराबर, ये सब पढ़ा आपने, -1 -1, तो x इज इक्वल टू 7। यहां पर चार्ज कितना +2, तो यहां प्लस, ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया। अब बताइए ऑक्सीडेशन नंबर घटता है जिसको रिडक्शंस कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो ऑक्सीडेशंस कहते हैं, ये आपने 11th में पढ़ा है, तो हमें इससे मतलब नहीं है। अब आप n फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो रिडक्शन का मतलब गेन करना, तो गेन किधर करेगा ये लिखने की जरूरत नहीं है। आपके पास फॉर्मूला है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम, सारे लोग ध्यान दीजिए, तो 7 से 2 कितना चेंज, 5, 7 से 2 कितना चेंज, 5, नंबर ऑफ एटम मैग्नीज, सबको ऐड मत कर देना 4 और 1 5, नहीं मैग्नीज जिसका चेंज हो रहा हो, 5 into 1 5, तो n फैक्टर 5, इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnO4 माइनस M/5। बोलो सबको समझ में आया, जुनैद चौधरी, अब बताइए सबको समझ में आ गया, अभी क्वेश्चन से और क्लियर होगा, घबराइए मत, सबको आ जाएगा, मैं क्वेश्चन बहुत कराऊंगा, आज पूरा लेक्चर इसी पर होगा, और परसों से हेनरीज लॉ शुरू होगा, परसों से। जुनैद चौधरी आ गया, अरे वाह वाह वाह, चलिए अब आप लोग, मैं आप लोग बताइएगा, Cr2O7 2- से Cr+3, क्वेश्चन है इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cr2O7 2-, ए ऑप्शन M/3, बी ऑप्शन M/6, सी ऑप्शन M/4, डी ऑप्शन M/5, Cr2O7, जल्दी से आंसर दो। सब लोग मिलकर आंसर दो, गलत या सही। वाह 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 वाह, अस्बा मसी अस्बा मसी, स्वादिया स्वादिया अगर आई हैं तो स्वादिया भी आंसर दें। पहले n फैक्टर निकाल लो, फिर उसके बाद m बाय कर देंगे। ओके चलिए अब हम बताते हैं, Cr2O7 2-, अब रुक जाइए पहले समझिए, जिनका आंसर नहीं आया है या जो बना चुके हैं प्लीज देखें, प्लीज देखें, प्लीज, बी इज द करेक्ट आंसर, Cr+3, घबराइए मत, पहले देखिए क्रोमियम का एक्स तो 2x, क्रोमियम का एक्स मान लेंगे 7 -2 -2 के बराबर, 2x = 12x = 3, यहां +3 है, प्लीज देखिए n फैक्टर का क्या फॉर्मूला है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो 6 से 3 3, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम 2, इसीलिए फॉर्मूला बताया गया चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम। कोई कहे ये कितने इलेक्ट्रॉन का गेन किया, 6 इलेक्ट्रॉन का गेन किया,
तीन नहीं, नशे में नहीं रहना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम इनटू नंबर ऑफ एटम, तो सिक्स। इसलिए इक्विवेलेंट वेट Cr2O7 2- का M/6। बोलिए आया कि नहीं सबको समझ में? ये लैब में आएगा, 12th के लैब में, टाइट्रेशन सब में। ये अल्लाह आ रहा है सबको? अलीजा अलीजा को आ रहा? अलीजा को वेरी गुड वेरी गुड 100%, वेरी गुड वेरी गुड। लड़कियों का तो मैसेज ही नहीं आता उनको आ रहा है कि नहीं। तरीम हाँ, खदीज नहीं आया, ओके दोबारा सुने। अच्छा देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर अगर नहीं आ रहा है तो ये थोड़ा बहुत 11 तो पढ़ना होगा, थोड़ा बहुत 11 तो पढ़ना होगा। क्रोम सारे लोग देखो, जिसको नहीं आया दोबारा दोबारा। क्रोमियम का x मान लिया x, तो दो क्रोमियम 2x प्लस। नहीं लड़कों का मैसेज बहुत अच्छा, लड़के बहुत अच्छा लिखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जोया चौहान का भी मैसेज आया अल्हम्दुलिल्लाह। 7 × -2 - 2, तो देखिए 2x = 12 x = 6, तो 6। सारे लोग देखिए जिनको नहीं आया है, क्वेश्चन करने से और आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए, इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम आपको कह दिया था पिछले क्लास में, आपको ऑक्सीडेशन नंबर आए और ये फंडा क्लियर कीजिए, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम। तो 6 हो गया 3 × 2, कोई बात नहीं, भी और आ जाएगा आपको। अल्हम्दुलिल्लाह लड़कियां भी मैसेज करें बहुत अच्छे से, सर समझ में आ रहा है, आप बहुत अच्छे हैं, ये सब मैसेज करें, उससे मैं और अच्छा पढ़ाऊंगा। आ जाएगा कोई बात नहीं है, किसी को एक आध क्वेश्चन में ना घबराइए मत, हम हर क्वेश्चन में रिपीट कर करके बताएंगे, घबराइए मत, सब्र कीजिए सब्र, सब हो जाएगा। यस यस चलिए C2O4 2- कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का तो -2 होता है सबको मालूम है, तो देखिए प्लीज अब मैसेज बंद करो, सारे लोग देखो कार्बन का 2x x 2x, सबको समझ में आ रहा है ना? देखो -8 - 2, तो 2x = 3 एंड 2x = 6 x = 3, यहां x - 4 0 x = 4, n फैक्टर ऑफ C2O4 2-, 3 से 4 कितना चेंज 1, 3 से 4 कितना चेंज 1, अ नंबर ऑफ एटम 2, 3 × 1 3, 3 × 2
थ्री से फोर वन, टू नंबर ऑफ एटम टू टू हो गया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सी टू ओ फोर टू माइनस एम बाय टू। ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब बताओ सारे लोग जिसको ना समझ में आया बोलो भाई। देखो वही चीज रिपीट हो रही है, डी डी कहां से आंसर आ गया? अच्छा उन्होंने ये कर दिया होगा, यहां कार्बन दो है तो टू एक्स लेंगे, एक रहेगा तो वन। सच सच बताइए आ रहा है कि नहीं? अच्छा एक्स माइनस फोर क्यों हो गया? एक्स प्लस टू ऑक्सीजन का माइनस टू जीरो, एक्स माइनस फोर जीरो, एक्स सेकंड टू फोर। भाई ऑक्सीजन का माइनस टू होता है ना, कुछ लोग डायरेक्ट लिखने पर भी नहीं समझ पा रहे हैं। अरे वाह वाह अनस खान भाई, बहुत अच्छा अनस भाई, बहुत अच्छा, हंड्रेड टका हंड्रेड टका। अरे लड़कियां को समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ तबस्सुम खान, अरे वाह 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 वाह, वेरी गुड, फंटास्टिक फंटास्टिक। सब लोग इंग्लिश की प्रैक्टिस भी करते हैं माशाल्लाह। ठीक है आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ें। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना आ रहा हो प्लीज। एक मिनट मैसेज बंद करें भाई। ओके ओके कोई बात नहीं है, चेक कर लेते हैं।
बोलो लिख लिए। ओके देखो आई माइनस से आईओ थ्री माइनस, तो यहां तो माइनस वन है। सारे लोग देखो प्लीज, यहां आयोडीन का एक्स माइनस सिक्स माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू फाइव। एन फैक्टर ऑफ आई माइनस चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो माइनस वन से फाइव या फाइव से माइनस वन, आई सिक्स होगा ना, फोर नहीं है जी। डी इज द आंसर, नंबर ऑफ एटम वन सिक्स। भाई चेक करो ना, माइनस वन से माइनस फाइव, देखो सिक्स नहीं आएगा, या फाइव माइनस माइनस वन, सिक्स नहीं आएगा। सबको आया कि नहीं भाई? तो ये तो मैथ मैथ भी नहीं आ रही आप लोगों को भाई। इक्विवेलेंट वेट ऑफ आई माइनस एम बाई सिक्स इज द आंसर। आया सबको समझ में? तो केवल क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए। जिन्होंने अभी भी नहीं पढ़ा, घर पे आज रात में पढ़ लो, कुछ नहीं है। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम। बोलो आ रहा है सबको समझ में? सबको आ गया भाई? बोलिए। थैंक यू थैंक यू। अब ये सारे लोग गलत मत कर देना। आ रहा है आपको समझ में सबको? हाँ बहुत आसान है। एनओ टू माइनस से एनओ थ्री माइनस, एक्स माइनस फोर माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू थ्री। एक्स माइनस सिक्स माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू फाइव। एन फैक्टर ऑफ एनओ टू माइनस थ्री से फाइव कितना चेंज? टू, टू हो गया। नंबर ऑफ एटम वन, टू इंटू वन टू, तो इसीलिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनओ टू माइनस एम बाई टू। बोलो सबको समझ में आ गया? जुनाद चौधरी तुमको आया? जुनाद चौधरी आया? जुनैद, ए अल्लाह जुनैद बोलो यार। या सवालेहा सवालेहा आई है, उनको समझ में आ रहा है सवालेहा? सवालेहा कुआरा अगर आप वो आई है तो बताएं।
ओके ओके चलो एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। ये सब तुम लोग करके दिखाओगे। H2O3 2 minus, SO4 2 minus, 2x minus 6 minus 2, 2x is equal to 4, x is equal to 2, x plus 4 minus 2, 0, sorry, minus 2, x is equal to 6. तो n फैक्टर जो हो गया चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, 2 से 6 4, नंबर ऑफ एटम 2 8, इसलिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O3 2 माइनस m बाई 8। जी m बाई 8। जुनैद चौधरी क्या लिखे हो, नहीं आया समझ में जुनैद चौधरी, मैसेज नहीं देख पाया। नहीं बैलेंस करना नहीं है, यहां वन मॉलिक्यूल है, बैलेंसिंग से मतलब नहीं है। बैलेंसिंग नहीं, डायरेक्ट एन फैक्टर के लिए कुछ भी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम, बस। चलिए अब एन फैक्टर आपको आ गया, टॉपिक डालिए रिलेशन बिटवीन मोलारिटी, ये बहुत इस्तेमाल होगा, एंड नॉर्मेलिटी। तो देखो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को लिखते हैं गिवन मास इन ग्राम बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन सॉल्यूशन। मोलारिटी को लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स को लिखते हैं गिवन मास इन ग्राम
बाई मोलर मास इंटू वॉल्यूम इंटू सोल्यूशन। अब देखो नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी का रेशियो ले लोगे तो गिवन मास बाय कंसंप्शन हो जाएगा, अब ये ऊपर चला जाएगा तो मोलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट बचेगा। अब तुम खुद सोचो मोलर मास को रहने दो, इक्विवेलेंट वेट को क्या लिखते हैं, मोलर मास बाई एन फैक्टर, तो एन फैक्टर ऊपर चला गया कैंसिल। तो तुम्हें ये सब याद नहीं रखना है, ये मैंने जोहैब के लिए बताया है जो कहता है प्रूफ करके दिखाइए। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, आपको ये याद रखना है बस, और ये लैब में बहुत काम देगा। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, नॉर्मलिटी दिया हुआ है तो मोलारिटी आ जाएगा, मोलारिटी दिया हुआ है तो नॉर्मलिटी आ जाएगा। जल्दी लिखिए, जैसे एक एग्जांपल आपके पास 1MH2SO4 है तो नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी, मोलारिटी 1H2SO4 एसिड है इसका एन फैक्टर 2 तो 2 हो जाएगा। आया सबको समझ में? टू एम थ्री एम एस थ्री पी ओ टू नॉर्मलिटी इज 3692। जल्दी बताओ आंसर, 3MH3PO2 नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, मोलारिटी 3 और याद होगा एन फैक्टर इसका 1 था, एन फैक्टर इसका 1 तो 3। क्लियर है? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, न्यूमेरिकल सम में सेमी मोलर लिखा रहेगा, पेंटी मोलर लिखा रहेगा, देसी मोलर लिखा रहेगा, तो सेमी मोलर एम बाई टू मतलब 0.5 एम, पेंटी मोलर एम बाई फाइव, आई जब आता है ना तो डिवाइड करते हैं तो 0.2 एम, डेसी मोलर एम बाई 10 0.1। अच्छा दोबारा, हमने कहा सेमी मोलर, कहीं पर लिखा रहेगा सेमी मोलर तो आप समझ जाइएगा एम बाई 2,
मोलारिटी 0.5 दी हुई है, दोबारा समझिए, सेमी मोलर न्यूमेरिकल में दे देगा तो आप समझिएगा m बाई टू। जैसे आप, हाँ, जैसे डबल होता है तो टू, ट्रिपल तो थ्री, जिसमें आई लग जाए, अगर पेंटा बोला जाए तो मल्टीप्लाइड करेंगे, पेंटा मोलर 5m, पेंटी मोलर m बाई 5, डेसी मोलर m बाई 10। ये सब न्यूमेरिकल की लैंग्वेज है, कंफ्यूज नहीं होना है। बोले आया सबको समझ में? यस। उसी तरह सेमी डेसी नॉर्मल, डेसी नॉर्मल n बाई 10, नॉर्मल का मतलब नॉर्मेलिटी 0.1 m। आ गया यहां तक सबको? तो ये था 11th। अच्छा रिपीट, हमने कहा सेमी मोलर, पेंटी मोलर, इसमें क्या रिपीट करना है भाई? डेसी मोलर, डेसी नॉर्मल, इस तरह का रहे, आप उससे डिवाइड कर दो। सेमी का मतलब आधा, तो m बाई टू, m बाई टू। हाँ देसी है वो, गांव वाला देसी नहीं, DECCI, देसी नॉर्मल n बाई 10। ये बहुत आसान है, ये कभी कभी न्यूमेरिकल में दे देगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके ओके ओके, नहीं यहां पर सी आई लिखना है। चलिए अब गौर से सुनिए अच्छे से, ये पहला वाला पार्ट खत्म जिसमें आपने कंसंट्रेशन पढ़ा, समझा कि नहीं? कंसंट्रेशन पढ़ा, अब देखो गौर से सुनो सारे लोग, यहां से एंटायरली डिफरेंट टॉपिक जो 11th में भी आपने नहीं पढ़ा है। अब गौर से सुनिए, हमने कहा था हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैसेज करना बंद करो, समझो अच्छे से। सॉल्यूशन चैप्टर में हम लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करेंगे, तो टॉपिक डालो सारे लोग, सारे लोग टॉपिक डालिए। फैक्टर अफेक्टिंग द सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी का मतलब यही हुआ कितना अमाउंट डिसॉल्व हुआ, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब समझो यहां से सारे लोग अच्छे से समझो, अब यहां से लेक्चर सब स्टार्ट होगा इंपॉर्टेंट सब। फैक्टर अफेक्टिंग द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जब सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो उसकी सॉलिबिलिटी किन किन बातों पर डिपेंड करती है। नंबर वन, टेम्परेचर। नंबर बी, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सारे लोग लिखो, नेचर, नहीं सबको दिख रहा है, बी में नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, पहला है टेम्परेचर, दूसरा है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये है सॉलिड एंड लिक्विड। लिख लिया सारे लोग? प्लीज अच्छे से समझना, फैक्टर अफेक्टिंग द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड दो बातों पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान दो, टॉपिक डालो टेम्परेचर, टॉपिक डालिए सारे लोग टेम्परेचर।
चलिए मैसेज नहीं करें, सारे लोग 5 मिनट समझो। टेम्परेचर का क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए आपके पास सॉलिड है, सॉलिड सॉल्यूट है प्लस सॉल्वेंट है, मिलकर सॉल्यूशन बनाया। मान लो ये है आपके पास सॉल्यूशन है, सॉलिड डिसॉल्व होके सॉल्यूशन बनाया। ध्यान देना अच्छे से, अगर ध्यान दो अच्छे से, अगर हम रिएक्शंस को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, जितना ये फॉरवर्ड में जाएगा उतनी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और से सुनो, जितना फॉरवर्ड में जाएगा उतना सॉलिड सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अब ध्यान दें, कोई भी पूछे टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं, सारे लोग इसका आंसर देना, टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो बताओ सॉलिड की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, यहां पर बढ़ेगी या घटेगी, बताओ। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज डिक्रीज। ओके चलो रुको, आप सारे लोग समझो अच्छे से। चलो ओके ओके, यहां ध्यान दो, ध्यान दो अच्छे से प्लीज। मैसेज बंद करो, इसी के बाद छुट्टी हो जाएगी, 5 मिनट सुन लो अच्छे से। सारे लोग ध्यान दो, देखो जब भी टेम्परेचर का अफेक्ट पूछा जाए केमिस्ट्री में, तो टेम्परेचर का अफेक्ट के लिए ये जानना जरूरी है कि वो एंडो है या एक्सो है। When temperature increases, the solubility of solid in liquid बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। Generally बढ़ती है, समझा कि नहीं, generally बढ़ती है लेकिन घटती भी है। तो गौर से सुने अच्छे से, मैं कह रहा हूं मैसेज करना बंद करें कि सॉलिड की सॉलिबिलिटी पर टेम्परेचर का क्या रोल है। तो उसके लिए जानना जरूरी है कि वो एक्सो है या एंडो है। तो सारे लोग नीचे लिखो, लिखो द अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, लिखो जल्दी से, लिखो द अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन, द अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on solubility of solid, the effect of temperature on solubility of solid in liquid the effect of temperature on solubility of solid in liquid depends upon whether it is exo or endothermic, depends upon whether it is exo or endothermic। अब उसके नीचे लिखो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, ध्यान दो अच्छे से। सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन बनाया, डेल्टा एच पॉजिटिव है फॉर एंडोथर्मिक, ध्यान दो अच्छे से। अगर ये एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर ये लेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए, ये टेम्परेचर लेगा तभी डिसॉल्व होगा। तो अगर एंडोथर्मिक होगा देन सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी विथ राइज इन टेम्परेचर।
दोबारा सुने अच्छे से, यहाँ क्या सॉलिड सॉल्वेंट पॉजिटिव है एंडो। एंडो का मतलब ये हुआ कि वह टेम्परेचर चाहता है, जितना टेम्परेचर दोगे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जितना फॉरवर्ड में जाएगा सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। तो नॉट ओनली दिस चैप्टर, जब भी टेम्परेचर का अफेक्ट पूछे आप माइंड में लाओ कि ये एक्सो है या एंडो है। तो एंडोथर्मिक के लिए ध्यान दीजिए, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस फॉर एंडोथर्मिक सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीजेस विथ rise in temperature, not only this chapter, कोई भी endothermic होगा वो high temperature पर favored होगा, वो temperature लेगा तभी वो forward direction में जाएगा। पहले सारे लोग बताओ ये सबको समझ में आया? सबको समझ में आया भाई? तो याद रखें, टेम्परेचर के अफेक्ट के लिए हमें जानना है कि एक्सो है या एंडो है। कोई भी पूछे जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सॉलिड की सॉलिबिलिटी पर क्या फर्क पड़ता है, तो आपका ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अगर एंडोथर्मिक है तो ये टेम्परेचर लेगा। लिख लिया सारे लोगों ने? सारे लोगों ने लिख लिया? वलीद तुमको सारे लोगों ने लिख लिया? केस सेकंड, फॉर एक्सोथर्मिक, तो देखिए सॉलिड सॉल्यूट है, सारे लोग ध्यान दें प्लीज, सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन बनाया, डेल्टा एच नेगेटिव। तो बताओ ये डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब ये हुआ इसको हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए, हाई टेम्परेचर दोगे रिएक्शन आगे जाएगा ही नहीं। एक्सो का मतलब हीट रिलीज, तो फॉर एक्सोथर्मिक सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डिक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर, मतलब ये इसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा करनी है तो लो टेम्परेचर करना पड़ेगा। आया कि नहीं सबको समझ में? वो मैं बता दूंगा, वो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कब एक्सो कब एंडो। सबको समझ में आया कि नहीं? अच्छा रिपीट कर देता हूं कि जब एक्सोथर्मिक है तो ये टेम्परेचर नहीं चाहेगा, एक्सो का मतलब हुआ हीट रिलीज होना, इसको टेम्परेचर नहीं चाहिए, इसकी सॉलिबिलिटी बढ़ेगी लो टेम्परेचर पर। एट नॉट ओनली दिस, जो भी एक्सो होता है वो लो टेम्परेचर पर फेवर्ड होता है और एंडोथर्मिक हाई टेम्परेचर पर होता है। तो एंडो हाई टेम्परेचर लेगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, एक्सोथर्मिक लो टेम्परेचर चाहता है, लो टेम्परेचर।
इसलिए कहा गया सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डिक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर। बताओ सबको समझ में आया? ये ला बोलो ना। जैसे एक क्वेश्चन आपको दे देगा, एक क्वेश्चन करके दिखाओ, तो देखो NH4Cl प्लस वाटर सॉल्यूशन डेल्टा एच पॉजिटिव, तो ये एंडोथर्मिक हो गया। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी, समझा? तो सारे लोग और से सुनो अच्छे से, प्लीज सारे लोग सुनो अच्छे से कि जब भी कोई टेम्परेचर का अफेक्ट पूछे कि सॉलिड की सॉलिबिलिटी पर टेम्परेचर का क्या अफेक्ट है, तो आप कहिएगा बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इट डिपेंड्स अपॉन वेदर इट इज एक्सो और एंडो, और पूरी केमिस्ट्री में कभी एंडोथर्मिक हमेशा हाई टेम्परेचर पर फेवर्ड होता है और एक्सो हमेशा लो टेम्परेचर। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें एंडो फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर, एक्सो फेवर्ड एट लो टेम्परेचर। ये रूल है केमिस्ट्री का। अरे बोलिए, आया सबको? बी पार्ट लिखो, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो अब देखो, सारे लोग सुनो अच्छे से, इस पर भी मैं बहुत क्वेश्चंस कराऊंगा इस टॉपिक पर थ्योरेटिकली। कोई भी चीज, कोई भी सॉल्यूट पार्टिकुलर सॉल्वेंट में क्यों डिसॉल्व होता है, तो उसके बहुत सारे रीजन हैं। नंबर वन पॉइंट सारे लोग लिखो, मैसेज मत करो, लिखो सारे लोग। नहीं, दो मिनट रुक जाओ, दो मिनट। अरे यार, आप तीन दिन क्लास होगी, पूरी क्लास लो यार, ट्वेल्थ में बहुत पढ़ना है यार, पीएचडी करना है। चलो, नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट का मतलब ये हुआ, कोई भी चीज पार्टिकुलर सॉल्वेंट में क्यों डिसॉल्व होती है, तो पहला पॉइंट डाल लीजिए। पहला पॉइंट डालो, द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड
डिपेंड्स अपॉन लाइक डिसॉल्व लाइक फैक्टर. इट मींस पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड वाइस वर्सा. पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में. इस पर क्वेश्चंस कराया जाएगा, सॉलिबिलिटी ऑर्डर पूछता है. अरे केमिकल बॉन्ड में पोलर नॉन पोलर मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था. केमिकल बॉन्ड पढ़ो, लॉकडाउन चल रहा है, केमिकल बॉन्ड पढ़ो. पोलर मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, डाइपोल मोमेंट. नॉन पोलर मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट इज जीरो, यहां नॉन जीरो. जुनैद चौधरी सेल्फ स्टडी करो. अच्छा छुट्टी दो फिर पढ़ेंगे. छुट्टी दो फिर पढ़ेंगे रे गुंडा, दिन भर तो छुट्टी रहती है. चलो एक लास्ट लाइन लिखो उसके बाद छुट्टी. द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डिपेंड्स अपॉन लाइक डिसॉल्व लाइक फैक्टर. इट मींस पोलर मॉलिक्यूल डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट. नेक्स्ट क्लास में पोलर के बारे में कुछ पॉइंट लिखा भी देंगे, घबराओ मत. ऐसे पहले याद रखो पोलर मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो, नॉन पोलर डाइपोल मोमेंट जीरो. चलो नेक्स्ट पॉइंट डालो, नेक्स्ट पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है लिखो. द सॉलिबिलिटी, जल्दी लिखो द सॉलिबिलिटी ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट करके लिखो द सॉलिबिलिटी ऑफ सम सॉलिड, द सॉलिबिलिटी ऑफ सम सॉलिड इन वाटर. वाटर के नीचे डार्क लाइन लगाओ. द सॉलिबिलिटी ऑफ सम सॉलिड इन वाटर डिपेंड्स अपॉन हाइड्रोजन बॉन्ड, डिपेंड्स अपॉन हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड की पहचान HF हो, OH हो और NH हो, जिसमें HF हो, OH हो, NH हो, हाइड्रोजन बॉन्ड. उसी में लिखो इट मींस, लिखो जल्दी से इट मींस एनी सॉलिड फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर देन इट इज कंप्लीटली, देन इट इज कंप्लीटली सोल्यूबल इन वाटर. तो सॉलिबिलिटी का एक क्राइटेरिया हाइड्रोजन बॉन्ड भी है. If any solid forms hydrogen bond with water, then it is completely soluble. Hydrogen bond की पहचान HF, OH और NH. सारे लोगों ने लिख लिया कि नहीं लिखा?